नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। धनबाद के झरिया के सुदामडीह में ASP कोलियरी प्रबंधन ने एक पत्र जारी कर सुदामडीह शॉपिंग सेंटर के सभी दुकानदारों को 10 दिन के भीतर दुकान खाली करने का फरमान जारी किया है, अन्यथा पानी और बिजली काट दिया जाएगा। वही पत्र आने के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। झरिया के सुदामडीह ASP कोलियरी प्रबंधन ने एक पत्र जारी कर सुदामडीह शॉपिंग सेंटर के दुकानदारों को 10 दिनों के अंदर दुकान खाली करने का फरमान जारी किया है, अन्यथा पानी बिजली काट दिया जाएगा। पत्र मिलते ही सुदामडीह के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सबको अपनी अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। वही दुकानदारों ने भी इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। पत्र में प्रबंधन ने कहा है कि ये पूरा क्षेत्र फायर ए पैच आउटसोर्सिंग में आ रही है, साथ ही ये पूरा क्षेत्र अग्नि और भू धसान क्षेत्र में आती है। यहाँ रहना अब धीरे धीरे और भी खतरनाक हो गया है, कभी भी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए यहाँ से सभी दुकानदार किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। वही प्रबंधन ने अपने जारी पत्र में ये भी कहा है कि अगर आप लोग 10 दिनों के अंदर उक्त स्थान खाली नहीं करते हैं तो यहाँ का बिजली और पानी काट दिया जाएगा। वही यहाँ के दुकानदार का कहना है कि हम लोगों को यहाँ वर्ष 1963 से 64 से दुकान कर रहे हैं। हम लोगों को उस समय के NCDC कंपनी ने दुकान दिया था, इस एवज में हम लोग आज भी बिजली और दुकान का भाड़ा कंपनी को देते हैं। हम लोग इनलीगल नहीं बल्कि लीगल रूप से है। अब अचानक कंपनी हम लोगों को यहाँ से हटाना चाहती है, तो हम लोगों को पहले कंपनी पहले कहीं सुरक्षित स्थान पर दुकान दे। हम लोगों को भी देश हित में हटने को तैयार है, लेकिन ऐसे नहीं। हम लोगों का भी बाल बच्चा है, उसका हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे। बताते चलिए कि यहाँ 10 दुकान है जो कंपनी की है। इसके भी सुदामडीह मेन में इन दुकानों के आसपास 2 दर्जन से भी अधिक दुकानें हैं जिन पर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। जी हम सुदामडीह का मेन कॉलोनी शॉपिंग सेंटर के दुकानदारगण हम लोग हैं। 10 दुकान का एक मार्केट NCDC के समय से बनी हुई है, नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 1963 से हम लोगों को बुला करके और दुकान का संभालने के लिए जिम्मेवारी दी गई है। हम लोग संभालते आ रहे हैं और वे किरायेदार हैं, किराया भी देते आ रहे हैं BCCL को ड्राफ्ट के द्वारा से। और 6ठा महीना और 7वां महीना जो है 2020 में हम लोग को खाली करने के लिए यहाँ नोटिस दी गई है कि आप लोग खैर एरिया में आते हैं, हमको कोयला निकालनी है, आप लोग खाली कर दीजिए। तो इस नोटिस का एक मैंने जवाब भी लिखा, जो उपायुक्त महोदय को भी दिया और भी सारे प्रशासनिक अधिकारी को मैंने लिखा, प्रबंधन को भी दिया कि हम लोग को हम राजचित के लिए हटने को तैयार हैं, आपको रहने के लिए, लेकिन हम लोग का पुनर्वास की व्यवस्था कर दिया जाए। क्योंकि हम लोग बहुत पहले से आपका किवैध किराएदार हैं, आपका BCCL का वर्कर का हमने सेवा किया, जैसे नौकरी होती है इसी प्रकार से हमारे ये बच्चों का जीविकोपार्जन है और हम इसी पर एक दुकान से हम 10 परिवार जी रहे हैं। टोटल 10 दुकान हम लोगों का वैध है और हम लोग किराएदार हैं। हम लोगों को आप हटाइए, मंजूर करते हैं, आपको BCCL को साथ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम लोग का पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए, वैकल्पिक व्यवस्था, हम लोग का दाल रोटी भी चलता रहे। हम राष्ट्रीय के लिए भी हम BCCL को समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन पहले हमको पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाए। विधिवत रूप से जैसे हम किरायादार हैं वैसे हम किराया देते रहेंगे BCCL को। BCCL को हमसे नुकसान भी नहीं है और हम बिजनेस व्यापार भी अपना करेंगे और हमको जैसे पुनः बसाया गया उसी प्रकार से बसा दिया जाए। हम जगह यहाँ पर स्थानांतरण करने के लिए तैयार हैं। जब तक जगह नहीं दी जाएगी तब तक मैंने BCCL का कोई बात हम मानने को तैयार नहीं है। इसके लिए हम आगे का भी अपना आंदोलन की तैयारी करेंगे, अपना रूपरेखा बनाएंगे, लेकिन हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है BCCL के प्रबंधक कुछ अधिकारी से कि हम व्यापारी वर्ग हैं, झगड़ा लड़ाई और सब नेतागिरी भी नहीं करते हैं। हमारी मांग है, हमारा दुकान टूटने की स्थिति में आ रही है, मेरी दाल रोटी पे समस्या है, इस पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोग अपना दुकानदारों को मंजूर हो वहाँ बसा दिया जाए और पुनः हम लोग अपना दाल रोटी खिलाते रहें। आप अपना कंपनी के हैं, आप निकलिए, हम लोग किराएदार हैं, हम लोग किराएदार ही बना रहेंगे आपका। इसी बात के साथ मेरा नाम विजय प्रसाद वर्मा, फॉरम का नाम गुरु कृपा ज्वेलर्स। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।